हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। एफएटीएफ संस्था को मिला है एक नया चीफ जो है एक भारतीय। इनका नाम है टी राजा कुमार। एफएटीएफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा अलग अलग देशों में थ्रू आउट द वर्ल्ड नज़र रखती है कि कौन से देश कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी में तो नहीं घुस रहे हैं या फिर कौन से देश कहीं टेररिज्म को फाइनेंस तो नहीं कर रहे हैं। टी राजा कुमार एफएटीएफ को सर्व करेंगे 2 सालों के लिए एज अ चीफ। और तो और एज इंडियंस ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है क्योंकि एफएटीएफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ऑलमोस्ट हर देश थर थर कांपता है। क्योंकि अगर कोई देश एक बार एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में चला गया तो आप समझ लीजिए कि उसकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट ठप हो गई। जिसका एक लाइव एग्जाम्पल हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान ही है। जब से ग्रे लिस्ट में डाला गया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डगमगा गए हैं, उनके फॉरेक्स रिजर्व भी तबाह हो गए हैं। टी राजा कुमार की हिस्ट्री के बारे जाने तो ये है सिंगापुर से और इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े पोस्ट हासिल किए हुए हैं सिंगापुर के गवर्नमेंट में, चाहे वो होम मिनिस्ट्री में हो या फिर सिंगापुर के सिक्योरिटी में हो। उन्होंने ऐसे ऐसे हाई पोस्ट वहाँ पर अटेंड किए हैं जो उनसे पहले कोई भी इंडियन सिंगापुर में नहीं किए थे। और तो और हम लोगों के लिए एक बेनिफिट इसीलिए है क्योंकि टी राजा जो एक इंडियन ओरिजिन से है वो खूब अच्छे तरीके से वाकिफ है कि पाकिस्तान में कितने टेरर कैंप्स हैं और कितनी ज़्यादा टेरर फाइनेंसिंग पाकिस्तान के द्वारा ही होती है। तो अभी के लिए जब एफएटीएफ अंडर प्रेशर था यूएस का, तो एफएटीएफ ने साफ साफ यूएस को कहा था कि जब तक एक ऑन साइट इंस्पेक्शन नहीं हो जाती तब तक पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। तो अब टी राजा कुमार के आने के बाद से एक छोटी सी उम्मीद जागी है कि मे बी, जस्ट मे बी, इस बार एफएटीएफ को कोई बुली ना कर सके, फॉर एग्जांपल यूएस, और एफएटीएफ सही में अपना काम करे। क्योंकि जब तक एफएटीएफ की अच्छे से मार नहीं पड़ेगी पाकिस्तान को तब तक उस देश से टेरर फाइनेंसिंग होते ही रहेगा। वी एज कॉमन पीपल ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुश है इस पूरी न्यूज़ से, क्योंकि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जब एक चीफ इंडियन रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली बहुत अच्छे से रोल प्ले करेगी। क्योंकि जब जब किसी भी इंडियन ने एक कंपनी की कमान हासिल की है, फॉर एग्जाम्पल सुंदर पिचाई, तब तब उन इंडियंस ने ही उन कंपनियों को अलग अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और उम्मीद यही है कि टी राजा कुमार भी इन्हीं एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएँ। थैंक यू।